नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, आज की यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो स्टूडेंट DRDO फायरमैन भर्ती की तैयारी कर रहा है और काफ़ी लंबे समय से फायरमैन के एग्जाम डेट एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहा है। फाइनल ही उनका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है जल्द ही, और उसकी अपडेट एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो पर नया आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आने वाली फायरमैन से संबंधित अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अंदर क्या न्यू अपडेट आई है DRDO फायरमैन से संबंधित, कैप्टन अलाइड एडमिन से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्टन 10 अलाइड एडमिन से संबंधित न्यू अपडेट आई है। वह क्या ये है उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने वाला है, रिजेक्शन लिस्ट कब आने वाली है, उसकी PDF मैंने बना ली है, वह आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके DRDO फायरमैन एग्जाम डेट कैप्टन 10 अलाइड एडमिन, ठीक है। DRDO एग्जाम डेट, फाइनल एग्जाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जिस वीडियो पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, उस वीडियो में मैंने आपको बताई है कि मार्च के अंदर आपका एग्जाम जारी कर दिया जाएगा, मार्च के अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, मार्च के अंदर फायरमैन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं डेट बताने वाला हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी मार्च 10 के बाद आपका फाइनल ही एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है साथियों। 10 मार्च के बाद कन्फर्म है जो कि अपडेट हमारे दोस्त जो DRDO विभाग में कार्यरत है, उन्होंने बताया है कि 10 मार्च के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा फायरमैन स्टूडेंट का, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं जो आपकी रिजेक्शन लिस्ट है उसके बारे में, कि क्या आपकी रिजेक्शन लिस्ट कब जारी होगी और कब तक आने वाली है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो रिजेक्शन लिस्ट है, फरवरी के सेकंड वीक मतलब बीच के अंदर आपकी फरवरी में रिजेक्शन लिस्ट जारी होने वाली है, वो भी फायरमैन। इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट फायरमैन में फॉर्म भरे गए थे और कितने रिजेक्शन कर दिए गए, मतलब कितने निकाल दिए गए फायरमैन फॉरम में, गलती क्या करी, किसके कारण निकाल दिए गए, वह इस रिजेक्शन लिस्ट में उन सभी का नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है और उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आपको अपनी ID पासवर्ड डालकर उसके फॉरम में देखना होगा कि क्या गलती की है, किस कारण से आपका फॉरम रिजेक्ट किया गया है, ठीक है साथियों। यह थी आपकी रिजेक्शन लिस्ट और एग्जाम के बारे में, और फाइनली ही अब आपका मार्च के अंदर एग्जाम और एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आप कंटिन्यू तैयारी में लग जाए फायरमैन की, जो कि अब जल्द ही फायरमैन की एग्जाम का एग्जाम जारी करने वाला है। तो वापस से चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस नई अपडेट के बारे में क्या अपडेट आई है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जो कैप्टन 10 अलाइड एडमिन की जो नई अपडेट मैंने बताई है, कि क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। नीचे चलते हैं इसके अंदर देख लेते हैं क्या आई है। तो इसके अंदर सबसे पहले DRDO एंटर टेस्ट कैप्टन अलाइड एडमिन, ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन रिसीव के बारे में बताया गया है। फिर जो नई अपडेट आई है उसके में बताया गया लास्ट फॉर फाइनल सबमिशन, जो कि लास्ट डेट जा चुकी है उसके सबमिशन के बारे में बताया गया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक हर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर कैप्टन 10 अलाइड एडमिट, इसके बारे में बताया गया कि आप इस यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दी गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी बताए गए हैं कि आपको क्या डाउट रहता है, उस क्वेश्चन का भी यहाँ पर PDF बनाया गया है, ठीक है साथियों। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम और एडमिट कार्ड और रिजेक्शन लिस्ट कब जारी होने वाली है। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।